नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बेगमगंज में साल 2014 में हुई सनसनीखेज हत्याकांड में आज दो आरोपियों चाचा भतीजा को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री बीआर यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई कि मामला बेगमगंज की कन्याशाला हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर के में चाचा भतीजे रामचरण और हेमराज शिल्पकार ने सन 2014 में सोनू शिल्पकार की पत्थर से सिल कुचलकर एवं मृतक का हाथ काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आज दो आरोपियों चाचा भतीजे को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मारपीट करके उसकी हत्या की थी, उसका हाथ काट करके स्कूल की छत पर फेंक दिया था। उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, तो आज माननीय न्यायालय ने साजिद आरोपी फरार था बहुत दिन से और दो आरोपियों को आजीवन कारावास सजा सुनाई, जिसमें रामचरण को साक्ष्य छुपाने में 302-201 में और आरोपी हेमराज को 302 के प्रकरण में सजा दी। आजीवन कारावास 1,000 रुपये जुर्माना। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।